ये हादसा हुआ। अब रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की ओर, जहां पर जम्मू कश्मीर में कल शाम को जैसे की बात की जाए, जिसके भूकंप आया था और उसके बाद भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए थे। उस भूकंप में एक महिला की मौत की यहां पर खबर आ रही है और साथ ही अभी भी दहशत का माहौल वहां पर बना हुआ है। देखिए, देश में विभिन्न हिस्सों में मंगलवार की शाम को भूकंप आया और ऐसे में इसका असर जम्मू कश्मीर में भी महसूस किया गया और इन झटकों के बीच रियासी के खोरी संगढ़ रनसू क्षेत्र में एक निर्माण स्थल पर मौजूदा महिला शम्मू देवी के सिर पर पत्थर आ गिरा और इससे उसकी मौत हो गई। मौसम विभाग श्रीनगर के अनुसार मंगलवार की शाम 4:32 पर 6.2 की तीव्रता से आए भूकंप का केंद्र रावलपिंडी जम्मू कश्मीर बॉर्डर था और ये जमीन के 40 किलोमीटर नीचे था और जम्मू संभाग के अलावा कश्मीर घाटी में भी भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत बनी रही, बाजारों में अफरा तफरी मची रही और वहीं हिमाचल में 2 बार झटके महसूस किए गए। राजधानी शिमला सहित कई जिलों में भूकंप से धरती हिली। कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, हमीरपुर और ऊना जिले में अधिक असर इसका देखा गया और प्रत्यक्ष दर्शियों के मुताबिक घर में लगे पंखे हिलने लगे और भवन भी हल्के फुल्के उनको महसूस हुआ कि काफी इसमें